कैमूर से खबर मिली है कि प्रसव के बाद यहां महिला की मौत हो गई, परिजनों ने जमकर बवाल काटा। हमारे ए टू जेड न्यूज लाइव के लिए संवाददाता बशीर अहमद ने बताया है कि निजी क्लिनिक में प्रसव के दौरान महिला की मौत की घटना हुई। बच्चे का हालत नाजुक है, जिसके बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजनों का आरोप है कि शराब के नशे में चिकित्सक ने ऑपरेशन किया, जिस कारण से महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने चिकित्सक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। परिजनों का बताना है कि महिला का प्रसव होने वाला था, जिसे सदर अस्पताल लेकर गए थे। अस्पताल के चिकित्सकों ने कई प्रकार की जांच कराई, जिसके बाद ऑपरेशन से बच्चा होने की बात कही और ऑपरेशन करने के लिए मुकम्मल औजार नहीं होने का हवाला दिया। अस्पताल के बगल में चल रहे निजी क्लिनिक में जाकर ऑपरेशन कराने की सलाह दी गई। परिजन महिला को लेकर निजी क्लिनिक में गए, जिसके बाद यह हादसा सामने आया। बहरहाल पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को गंभीरता के साथ देख रही है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कल हम एडमिट कराए थे यहाँ, बस संजय डॉक्टर हैं और वो बोले कि हम नॉर्मल करा देंगे, ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो आप ले जा सकते हैं। हाँ, तो कल तक हम लोग गए, आज सुबह में ले गए सरकारी हॉस्पिटल, उनसे नहीं हुआ तो हाँ बोले कि ले जाइए, यहाँ नहीं संभलेगा। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ जाँच उच लोग की, बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, हम लोग के यहाँ औजार नहीं है, आप ले जाइए प्रेम प्रेमराज। हाँ, प्रेमराज में हाँ वो कर देंगे, अच्छे डॉक्टर हैं, वहीं संभाल सकते हैं। यहाँ ले गए ऑपरेशन करके बच्चा के निकाल के डॉक्टर साहब चल गए, हम आ रहे हैं, इमरजेंसी है हमारे सरकारी अस्पताल से। आप बताइए कि बच्चा को निकाल कर चल गए सरकारी अस्पताल में, मरने के बाद हुआ है गिरफ्तार में, क्या मामला है सर? एक महिला है, सासाराम तरफ की रहने वाली है, उसके ऑपरेशन के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। जो संबंधित डॉक्टर हैं उनको पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, तत्काल है देखा। उसके परिजनों द्वारा, मृतका के परिजनों द्वारा हंगामा भी किया गया था, तत्काल डॉक्टर को पुलिस ने ये सुरक्षा में लेकर पूछताछ कर रही है। कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन की जो हालात है, इस बीच खबर मिल रही है कि गाड़ियों का वैक्यूम कर प्रवासी मजदूर उतर जा रहे हैं, जिसके कारण से आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बात हम बिहार के कैमूर जिले की कर रहे हैं। सरकार के द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए चलाए जा रहे श्रमिक स्पेशल ट्रेन में आरपीएफ की मुकम्मल व्यवस्था नहीं होने के कारण से नई परेशानी सामने आ रही है। गाड़ियों को वैक्यूम कर जहाँ तहाँ लोग उतर जा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर उतर जा रहे हैं, गांव में अफरा तफरी का माहौल हो जा रहा है। कई जगहों पर सिग्नल नहीं मिलने के कारण गाड़ियां रुक जाती है, ऐसे में भी प्रवासी मजदूर गाड़ियों से उतर जाते हैं। प्रवासी मजदूरों के नज़दीक का स्टेशन आते ही गाड़ियों को वैक्यूम भी कर दिया जा रहा है। कैमूर जिले के भगुआ रोड स्टेशन पर पिछले चार दिनों से प्रतिदिन वैक्यूम कर लोगों को उतरते हुए देखा जा रहा है। यहाँ अपने जानवरों को चराते हुए नजर आ रहे हैं रेलवे ट्रैक के समीप पर। यहाँ पर ट्रेनें रुकती हैं तो क्या होता है, कैसे होता है? अरे सर, यहाँ भयंकर मार के रुक के क्यों उधर घेघिया जाता, क्यों डनावा जाता, क्यों मझारी जाता, क्यों भगवानपुर जाता, टेम्पू मंगा बस स्टैंड से, मतलब यहीं पर टेम्पू लोग मंगा लेता है। हाँ, बस स्टैंड। अच्छा, तो यहाँ पर जो लोग उतरते हैं उनको कोई प्रशासन रोकता नहीं? नहीं प्रशासन नहीं, एको दिन दो दिन एको दिन प्रशासन खाली एको प्रशासन नहीं, एक भी प्रशासन नहीं, एक थी। और यहाँ लगभग कितने के संख्या में लोग उतर जा रहे हैं? अरे कम से कम तो उतर रहे हैं 150-200 में। 150-200? हाँ, बड़ी आदमी रहा। उससे आप लोग भयभीत हैं? हाँ सर, हमने का बात बड़ी रोक तो रह जाते, नहीं रुकत रह जाते, जा किनारे होकर तक नहीं, केहू ये वो केहू सिपाही नहीं रहे ना, केहू रथुआ रहे, कोई नहीं, नहीं केहू नहीं। आप यहाँ उस टाइम क्या कर रहे थे? वो भैंस चराते हैं। तो यहाँ भैंस चरा? हाँ। क्या नाम हो भैया आपका? सुरेंद्र जादव। आप भयभीत हैं कि नहीं, वैसे लोग जो उतर रहे हैं आपके शहर में इंट्री कर रहे हैं, तो उससे भयभीत हैं कि नहीं? कहा नहीं सर, हमने का तो मना करते रहे थे, नहीं जहाँ अगर चेक होता तहाँ चल जाए भैया, तो नहीं हमने के खेले बिना मरते नहीं जाए, तो पैसा कौड़ी यही नहीं कहता क्या बताया मजदूर की? हाँ, पैसा कौड़ी नहीं क्या, फिर जाए तो 15 दिन 14 दिन रह जाए भैया, बाल बच्चा इतनी इतनी लड़का ले रहा जा, आप लोग भी छोड़ दी। हाँ, तो क्या करेगा, हमने का भोज चरवा हमने का कर सके जैसा। आपका घर जस रेलवे ट्रैक के बगल में है, यहाँ क्या पोजीशन है जब ट्रेनें लोग ट्रेन भरकम करते हैं, कैसे करते हैं? यहाँ तो आपको ट्रेन भरकम करके लोग उतर जाते हैं, लोग सिंगल नहीं रहता है, ट्रेन रुक जाती है
और जो बाहर से मजदूर आते हैं रुक जाते हैं और रुकने के बाद जिधर उधर चलने जाते हैं घूमने फिरने लगते हैं लोग आ जाते हैं लोग क्योंकि ये आपको एक भी पॉजिटिव यदि निकल जाए तो कितना ये शहर के लोग परेशान हो जाएंगे कि कुछ कोई कुछ कहने की बात नहीं है क्योंकि यहाँ अभी 2-3 दिन गाड़ी आई अभी कल भी चैन पोलिंग हुआ था परसों दिन भी चैन पोलिंग हुआ था आज भी सिंगल नहीं था तो गाड़ी रुक गया मजदूर लोग उतर उतर के भागने लगे लोग जांच हो ही नहीं रहा है यहाँ जीआरपी हुए आरपीएफ हुए चाहे सरकार हुए इसमें ये बीमारी में ये में विफल है लोग मतलब यहाँ पर सिंगल नहीं मिल रहा है तो भी सिंगल नहीं मिल रहा गाड़ी खड़ी हो जा रही है अपने अपने उतर जा रहे हैं लोग उतर के अपने अपने लोग जिसको जिसको जाना चले जा रहे हैं लोग क्योंकि जो गाड़ी नहीं रुकना है वो गाड़ी यहाँ रुकना नहीं चाहिए सिंगल रहे या ना रहे जो गाड़ी खुल रही है जिसको जो गाड़ी को जहाँ जाना है वहाँ चले जाती लेकिन बीच में जो सिंगल कर भड़कम करके रोक दी जा रही है तो इसमें सरकार की और जीआरपी और आरपीएफ को बहुत बड़ा कमी है क्योंकि शहर हमारे ये खास मोहनिया शहर ये कोरोना के वजह से दशक में फैला हुआ है एक भी पॉजिटिव निकल गया तो शहर का क्या हाल होगा ये भगवान भरोसे है। आप इस मोहल्ले के लोग पूरी तरह से भयभीत हैं क्या कर? बहुत पूरी तरह से ये मोहल्ला के लोग जो मजदूर देख रहे हैं आ रहे हैं बेजाच हुए पूरे मोहल्ले के लोग क्या पूरा मोहनिया के लोग काँप रहे हैं कि ऐसे लोग भाग रहे हैं इधर उधर बेजाच को और कोई एक भी निकल जाए तो क्या स्थिति कैमूर जिला कर रहे होगा। अक्सर यहाँ ट्रेनें रुक जाती है अक्सर रुक रही है प्रतिदिन रुक रही है 4 दिन से तो एकदम भड़कम मार मार के उतर जा रहे हैं लोग। क्या नाम हो? मेरा नाम गीता पासी पूर्व जिला पार्षद मोहनिया भागती। लॉकडाउन में शराबों की तस्करी में आई रुकावट तो कैमूर जिले में महुआ से शराब बनाने का धंधा परवान चढ़ गया। यहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इनके खिलाफ शिकंजा कसा। चैनपुर थाना क्षेत्र के नक्सलग्रस्त पहाड़ी इलाके में खोराडी गांव से जंगल में भारी मात्रा में महुआ शराब बरामद किया गया। अवैध शराब निर्माण का मिनी शराब फैक्ट्री भी बरामद की गई जिसे ध्वस्त कर दिया गया। अर्धनिर्मित शराब भी बरामद किए गए हैं। 40 लीटर महुआ का तैयार हुआ शराब बरामद किया गया है। इस पूरे मामले में 2 व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी जंगल का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहा। एसपी दिलनवाज अहमद का बताना है कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। भुरकुरा पहाड़ के खाई में खोरडीह गांव के जंगल में महुआ से शराब बनाने का धंधा चल रहा था जहां पुलिस ने छापेमारी की। हजारों लीटर शराब को नष्ट किया गया। 40 लीटर शराब के साथ बिहारी बिंद को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर महुआ से तैयार हो रहे शराब की भट्टी को ध्वस्त किया गया। 1000 से अधिक लीटर शराब नष्ट हुआ है। शराब बनाने के आरोप में भूरा मुसहर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है जबकि दूसरा आरोपी मौके से भागने में सफल रहा। तुरंत साहब लोग कहीं ना पकड़ लो तब स्थान तुम चलो बताओ नहीं तो तुमको मारेंगे तो हम कहीं चली सर तो उसे बतौले बने तो कितना मतलब पहाड़ी के कितना नीचे सब लगभग काम होते रहे पहाड़ी खाई में खाई में खाल में करीब करीब सुने तो साहब से कुछ 500 मीटर के लगभग 500 मीटर के सब शराब कहाँ खपत रहे अब ये जन के ये लोग बताइए कहाँ खपत रहे ये लोग बताओ हाँ हम तो जहाँ ले लिया नहीं तहाँ वहाँ लोग को बताओ नहीं अपन कहीं ना पकड़ाए छोड़ना छोड़ना चलिए काहे का बोले नहीं बेची खातिर हाँ नीचे बा 5-6 लीटर लिया रही दिल रह जा भूटका बोले के पैसा कितना दिल रह जा हाँ पैसा दिल रह जा के जाके ऊपर से ले अब नहीं नहीं वह लोग पहुँचा उसमें तो नीचे हम पैसा देते रहे बाकी बा का नाम है आपका बिहारी बीन सर थोड़ा डिगर रहे थे और कौन जगह था पहाड़ के जो अंदर था कितने किलोमीटर के अंदर था हम लोग 2 महीने से चुना थे हाँ तो है कम से कम 500 लीटर खाई नीचे खाई में हाँ गोबर का है आज तक वहाँ पुलिस गया था दूसरा काम से गए थे एक दो बार मतलब अंदर खो में नहीं ना पुलिस गया था तो कितने लोग उसमें दारू चुराते थे है तीन चार लोग दारू भी कहाँ खपता था वो अपना अपना बनाकर अपना अपना घरों पर ले जाते थे खपाते थे बेचते थे सब नीचे मैदान सब कहाँ मतलब बाजार में लाकर बेचते नहीं सर ले जाने वाले आते हैं नीचे से ले जाते हैं कैसे तुम लोग चुवाते थे उसका क्या विधि है हम लोग टीना पर बनाते हैं टीना पर बनाते थे
क्या नाम है तुम्हारा? ये एक सूचना मिल रही थी कि कैमूर पहाड़ी जो नक्सल क्षेत्र है वहाँ से बड़ी मात्रा में महुआ शराब नीचे आकर बेची जा रही है। लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है। पहले दो बार भी पहाड़ी पर बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई है। कल भी 40 लीटर लगभग शराब के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा गया था नीचे। उसके बाद उसकी निशानदेही पर लगभग 30-40 किलोमीटर अंदर जाके पहाड़ी पर अवैध कई भट्टियों को नष्ट किया गया है। एक व्यक्ति को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है और बड़ी मात्रा में निर्मित शराब बरामद किया गया है और हजारों लीटर और निर्मित शराब नष्ट किया गया है। क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी दोनों को जेल भेजा जा रहा है और ये लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। ये लॉकडाउन के मामले में जब बाहर से शराब आना बंद हो गया तो ये कच्चा जो महुआ शराब है इसकी बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है पहाड़ी पर, इसके लिए ये विशेष अभियान चल रहा है।